हेलो फैनवर्स, तो फाइनली स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी इंडिया में रिलीज़ हो चुकी है और ये मूवी देखने के बाद मैं एक ही चीज़ कहूँगा, ये अब तक की मार्वल और सोनी के कोलैबोरेशन में बनी सबसे बेस्ट मूवी है। जहाँ पे ये मूवी जो है, अगर आप थिएटर में देखने जाओगे तो आपको लगेगा कि जो भी ट्रेलर में चीज़ें बताई हमें वही देखने को मिलेगी, बट नहीं, ये मूवी आपके सोच से भी ज़्यादा आपको दे जाती है। मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी ख़त्म हुई थी, जहाँ पे कि मिस्टीरियो ने सभी के सामने ये रिवील कर दिया था कि स्पाइडरमैन जो है वो और कोई नहीं, पीटर पार्कर है, जो कि सिंपल सा नॉर्मल सा बंदा है। अब इस सिंपल से नॉर्मल से बंदे की लाइफ में इस रिवील के बाद क्या कुछ होने वाला है वो हमें इसमें काफ़ी एपिक लेवल पे बताया गया है। एक छोटा सा हिंट देना चाहूँगा कि कभी भी एक नॉर्मल जो बंदा होता है वो अगर बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है तो उसके लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में उसे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, इस मूवी में वो बहुत ही अलग लेवल पे दिखाया गया है। अब इन्हीं सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए पीटर हेल्प लेता है डॉक्टर स्ट्रेंज की। डॉक्टर स्ट्रेंज इनकी मदद करते भी है, बट यहाँ पर बात ये होती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, जैसे कि हमने ट्रेलर में भी देखा था। तो वही चीज़ की गड़बड़ होने के वजह से दूसरे यूनिवर्स के जो विलन्स हैं वो हमें यहाँ पर इस स्पाइडरमैन मूवी में दिखाए जाते हैं, जो कि अलग अलग यूनिवर्स से आते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता होता कि यहाँ का जो स्पाइडरमैन है वो कौन है। ट्रेलर में हमने देखा था कि डॉक्टर ऑक्टोपस भी जो है स्पाइडरमैन से लड़ते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि ये वो स्पाइडरमैन नहीं है, तो ये चीज़ हमें पहले ही क्लियर हो जाती है कि ये अलग यूनिवर्स का है और हमें कुछ अलग इस मूवी में देखने मिलता है। आ जाते हैं इस पॉइंट पे कि इस मूवी को, इस सारी जो विलन्स है उनको कैसा बताया गया। तो एक ही चीज़ दिखाऊंगा कि जब भी किसी भी विलन की एंट्री होती है तो आप जो है अपने पास्ट में, यानी कि जब आपने बचपन में स्पाइडरमैन के जो फर्स्ट मूवी देखी थी सैम रेमी की, तो आपको ये नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा गैप हो गया है, 15-20 साल हो गए हैं या फिर मान लीजिए 10 साल हो चुके हैं, ऐसा आपको कुछ नहीं होता। आपको ऐसा लगेगा कि ये जो मूवी है ये कुछ साल पहले ही रिलीज हुई, यहाँ तक कि 2 या 3 साल पहले। तो डॉक्टर ऑक्टोवियस से आप काफ़ी कनेक्ट हो जाते हो, उसके बाद जब एंट्री होती है हमारे ग्रीन गॉब्लिन की तो उनके साथ आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। बात करें अमेजिंग स्पाइडरमैन के विलन की, जैसे कि इलेक्ट्रो है, देन उसके बाद जो है हमारे लिजर्ड है, तो इन सारे के सारे विलन्स की जब एंट्री होती है तो वो एक अलग समा बांध देते हैं मूवी में। आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें वो चलते जाए और मूवी ख़त्म ही ना हो, बट मूवी का एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पे आप काफ़ी इमोशनल भी होते हो, क्योंकि ये मूवी आपको सब कुछ देती है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये मूवी एक एपिक मूवी है, एक मास्टरपीस है, तो इस मूवी में आप हंसोगे भी, आप थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाओगे, क्योंकि इस मूवी में इमोशनल भी जो सीन्स है वो काफ़ी भर भर के हैं। इसके अलावा इस मूवी में जो एक्शन सीक्वेंस अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और कैरेक्टर्स को लेके डायरेक्टर की काफ़ी तारीफ करनी पड़ेगी। डायरेक्टर ने जो इन सारे कैरेक्टर्स को लेके एक अलग जो समा बांधा है वो बहुत ही अच्छा है। बात करें विलन्स की, बात करें अगर स्पाइडरमैन की, बात करें उसके फ्रेंड्स की, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एपिक लगती और लॉजिकली भी लगती है, क्योंकि कोई दूसरे यूनिवर्स से अगर मान लीजिए कोई विलन आ रहा है तो इस यूनिवर्स में आके वो क्या कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ें उनको पता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है मूवी में देखने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और बात करूँगा इस मूवी को देखते वक्त, तो देखिए एक चीज़ है कि अभी फ़िलहाल जो है यूट्यूब पर काफ़ी सारे जो है स्पॉयलर्स हो चुके हैं, बट अगर आप मूवी का सच में एंजॉय करना चाहते हैं या मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं अगर आप, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मूवी सिर्फ थिएटर में जाकर देखिए। क्योंकि आप सोचिए कि मैंने ये मूवी सुबह 9 बजे जाकर थिएटर में देखी थी, ठीक है, तो मुझे लगा था कि शायद से इतना ज़्यादा क्राउड नहीं होगा, बट इस मूवी के लिए इतनी ज़्यादा हाइप बनी हुई है कि पूरा थिएटर जो है, पूरा थिएटर हॉल जो है वो पूरा खचाखच भरा हुआ था। और जब भी मूवी का कोई एक्शन सीक्वेंस आता था या फिर किसी विलन की एंट्री होती तो मुझे तालियों और सीटियों की आवाज़ के सिवा कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि मुझे मूवी के डायलॉग्स भी सुनाई नहीं देते, यहाँ तक कि मैं खुद भी चिल्ला रहा था, सीटी मार रहा था। आप सोचिए कितनी एपिक लेवल पे मूवी है ये। तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि यूट्यूब पे जितने भी स्पॉयलर्स वीडियोस हैं यहाँ पे, आप उनको मत देखिए और ये मूवी जो है आप थिएटर में ही जाके देखिए, क्योंकि इस मूवी से हमारा, अगर आपने पहले भी मूवी देखी होगी स्पाइडरमैन की, तो एक हमारा एक अलग कनेक्ट है, और ये मूवी अब तक की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। तो ये मूवी जो है टॉम हॉलैंड के कैरेक्टर एज स्पाइडरमैन को पूरी तरह से जस्टिफाई करती है, क्योंकि पहले के जो 2 मूवीज़ हमने देखी है उन मूवीज़ में हमें जो डायरेक्शन है वो अलग वे में दिखाया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे पीटर की कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं थी, ना इसमें अंकल बेन दिखाया गया है, ना कोई डायलॉग जो कि ग्रेट पावर कम्स तक ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो दिखाया गया था यहाँ पे। बट इस मूवी में ये डायलॉग आपको ज़रूर सुनने को मिलेगा, बट नॉट
अंकल बैन की आवाज़ में, बट ये कहीं और किसी और ही इंसान ने बोला है, बट वो भी देखते हुए आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करोगे। मैं डैम शोर करोगे, आप तालियां बजाते हुए या फिर आप चीखते हुए अपने आप को रोक नहीं पाओगे। और यहाँ पे हमें ये दिखाया गया है कि आगे की जो स्पाइडरमैन की जो जर्नी है वो कैसी है, क्योंकि पिछली जो फिल्में हैं जो कि सोनी से बनी हुई है, सोनी में बनी हुई है, उस स्पाइडरमैन को जो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ पे पॉलिश किया गया, और उसी वे में भी हमें आगे जो है स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा। एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो यूट्यूब पे फिलहाल अभी ट्रेंड चल रहा है, काफ़ी सारे लीक्स आ रही हैं, काफ़ी लोगों ने जो है थिएटर में देखते हुए जो है इस मूवी को कैप्चर करके रिकॉर्ड करके जो है यूट्यूब पर डाल भी दिया है, तो आप प्लीज़ वो गलती मत करना। ये एक मास्टरपीस है और ये मूवी आप थिएटर में जाकर ही देखिएगा। और इस मूवी का जो है मैं स्पॉइलर रिव्यू जो है वो कल मैं दे दूँगा, तो वहाँ पे काफ़ी कुछ बातें होने वाली है। एंड इस मूवी में जो है दो जो है एंड क्रेडिट स्कैन और पोस्ट क्रेडिट स्कैन भी है, तो मूवी जो है एंड तक देखिएगा और दोनों की दोनों जो है बहुत ही बेहतर है। तो तब तक के लिए इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं रैप अप। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बी एडिक्टेड।